हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे, एकदम से ठीक ठाक होंगे। तो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते ही, मैंने कोकी को मतलब एक के बाद एक सरप्राइज देने का वादा किया है। तो आज मैंने उनके लिए कुछ नए परिंदे और मंगाए हैं स्पेशल ऑर्डर पे, और जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। परिंदे आपने भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। चलिए बिना देरी करके कोकी को बुलाते हैं और दिखाते हैं उनका सरप्राइज, क्योंकि मैंने जो है उनके लिए मंगाया है इस बार नई पिजन की जोड़ी। अंदरों का ये ना इतना खूबसूरत जोड़ा है कि आप लोग देखकर बोलेंगे वाकई कितने प्यारे कबूतर हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कोकी का क्या रिएक्शन होता है कोकी का, और मिलते हैं और बुलाते हैं कोकी को। मगर उसके पहले आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए ज़्यादा, और फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है? चलिए बुलाता हूँ मैं कोकी को तब तक, ठीक है? अरे जल्दी से आओ भाई कोकी, तुम्हारा इंतजार है मुझे, जल्दी आओ। अरे मैं गिर जाऊंगी इसलिए यार, क्यों आ रहा हूं। आराम से आ जाओ। कोकी आ चुकी है गाइस मिनी जू के अंदर, तब तक आप लोग कोकी के कोका टेल्स को विजिट करिए। और मैंने जो है कोकी आज तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज लेकर आया हूं मैं, तुम्हें पता है? जल्दी से अंदर आओ, अभी तो दिखाऊंगा भाई, ऐसे छोड़ना यार, ये खोल के रखा है चाहे बर्ड्स निकल जाए तुम्हारे साथ। हां तो जल्दी से अंदर आओ। तो तुम्हें पता है मिनी जू में तुम्हारे लिए कितना अच्छा सरप्राइज आ रहा है? खुद ही देख लेती हूँ ना यार, दिख जाए तो अच्छा है, उससे अच्छा है। चलो वरना है। आप तो वेट करवाते हो, 3-2-1 इतना वेट किसी से नहीं होता। सरप्राइज की इतनी एक्साइटमेंट, अरे वाह भाई वाह। तो ढूंढो फटाफट सरप्राइज तुम्हारा है कहाँ आखिरकार, हम भी तो देखें कि तुम ढूंढ सकती हो या नहीं। लो मैंने लाइट कोई नन्ना परिंदा हुआ तो कैसे देखूंगी, इसलिए तो ध्यान से देखो फटाफट से सरप्राइज है कहाँ तुम्हारा। तो गाइस अभी ना कोकी जो है सरप्राइज अपना खोज रही हैं, उनको ढूंढने में लगी हैं, मगर अभी तक मैडम को सरप्राइज दिखाई नहीं दिया है कहाँ है। और सरप्राइज कितनी जोर जोर से आवाज भी आ रही है, मगर सरप्राइज इनको दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आवाज कहाँ आ रही है, फिर बर्ड्स की आवाज है यार ये। चलो ठीक है, मुझे तो आ रही है भाई, जल्दी जल्दी ढूंढो, तुम्हारा सरप्राइज मिनी जू के अंदर ही है गाइस। कुछ नहीं है, कोकी को पता ही नहीं है कुछ भी। जल्दी जल्दी ढूंढो सरप्राइज, तुम्हें ही ढूंढना है। क्या किया था? कुछ नहीं बताऊंगा। तुमने कुछ किया था अभी? मैंने कुछ भी नहीं जब मेरा फेस इधर था। देखो सरप्राइज कहाँ है, ओ मिल गया सरप्राइज। तो सरप्राइज कैसा लगा तुम्हें मैडम, जल्दी से बताओ। यार मैं तो शॉक्ड हो गई। पक्का शॉक्ड हो गई क्योंकि कबूतर आ गया। गाइस मैंने इस बार कोकी का बिल्कुल जो है मनपसंद सरप्राइज ला के इन्हें दिया, यानी कि कबूतरों का जोड़ा बहुत ही प्यारा है, और इस जोड़े की बड़ी प्यारी सी हिस्ट्री मैं आपको सुनाऊंगा स्टोरी बाद में। फिलहाल चलिए कोकी फटाफट से सरप्राइज बाहर निकालो पहले तो अपना, तुम जल्दी से ठीक है, जल्दी निकालो भाई। अरे ना इतना बड़ा सरप्राइज लेके आए हो, यानी कि ठीक है अभी आपने इससे पहले भी मुझे 2 दिन पहले सरप्राइज दिया था, वो भी बहुत बेस्ट था, लेकिन अभी कबूतर लेके आ गए हो, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। गाइस मैंने कुछ दिन पहले कोकी को कोका टेल्स की कॉलोनी लगा के दी थी यहाँ पर, ये देखिए। हाँ देख लो अभी, जो कि अभी काफी घुल मिल भी गए हैं। फटाफट से पिंजरा बाहर निकालो भाई। तो गाइस कोकी जो है पिंजरे को बाहर निकालने लगी है, और बड़ा ही प्यारा सा पिंजरा है जिसमें इनके प्यारे से कबूतर हैं। वाओ सो ब्यूटीफुल। हाँ जी मजा आ गया नहीं यार, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। देखिए इसमें कबूतर में लेकर आया कोकी के लिए, एक रेड वाला कबूतर है, थोड़ा रेड ब्लैक, एक बिल्कुल ब्लैक पेयर है कबूतर है, ठीक है? यहाँ पर रखो इसको नीचे, सब्सक्राइबर्स को विजिट कराते हैं। हाँ जी लो जी, ये देखिए गाइस। तो गाइस फाइनली ये जो पेयर है, मैं एक ब्लैक सिलाजी का पेयर कोकी को लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये रेड वाली फीमेल है। हाँ जी, और अब कोकी तुम इनको छोड़ दो, निकालना नीचे रख दो पहले, नीचे इसको नीचे रख देते हैं ना, ये निकल जाएंगे बाहर। तो गाइस अभी का क्या है कि कोकी अपने पिजन्स को छोड़ने के लिए लगी है, और नीचे से गेट को खोल दो गेट को। कोकी ने जो है गेट भी खोल ही दिया। मैंने ये खोल तो दिया है, लेकिन मुझे खुद से निकलवाना पड़ेगा यार, गेट तो छोटा है, वो बड़े हैं ना। वो निकलेंगे थोड़ा, तुम उनको उधर से थोड़ा मतलब छेड़ने की कोशिश करो, गेट का दरवाजा खोल दो। तो गाइस कोकी ना मेल को निकालने की कोशिश, पक्का नहीं निकलेंगे, मुझे ही निकालना पड़ेगा यार, बाहर निकालवाओ ना, मुझे हाथ में लेना है उनको, मैं खुद ही निकाल देती हूँ। चलो ठीक है तुम निकाल लो खुद से, देख लो ये नहीं आ रहे हैं। तो गाइस कोकी ने जो है सबसे पहले मेल को पकड़ लिया है, और देखते हैं कैसे निकालेंगे इनको। लो जी साहब, आराम आराम से निकालना धीरे धीरे, ठीक है? ये आ गई फीमेल कोकी के हाथ, और ये निकाली है कोकी ने फीमेल। लो जी, तो गाइस ये ब्लैक वाली जो फीमेल और पीछे उसके वो मेल है नया वाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। फीमेल को छोड़ दो, अभी छोड़ दो गाइस, ये देखिए
ये बड़ी प्यारी सी फीमेल कोकी के लिए आई है और खूबसूरत सा जोड़ा जो है कबूतरों का ये। बाकी जो मेल भी एक्टिव हो गए हैं, मेल भी निकाल दो फटाफट से, बड़ा प्यारा सा मेल है। मेल को भी बाहर छोड़ दो जल्दी से निकाल के, मुझे भी समझ नहीं आ रहा इनको देखना है मुझे, वहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। बताया इनके काफ़ी सारे कस्टमर लगे हुए थे इनको लेने के लिए। गाइस ये देखिए निकल गए दोनों, कोकी का मेल देखो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, मतलब कोकी मेल के लिए। उसकी वो वाला जो है देखो, उसकी तो नीचे से चोंच भी ब्लैक है, ऊपर से रेड नीचे से ब्लैक। तो कैसा लगा आपको कोकी ये पेयर? वास्तव में बहुत ज़्यादा खूबसूरत पेयर है गाइस, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अरे इतनी ज़्यादा तो गलतियाँ नहीं करते जितना जल्दी उनको मतलब सुधारने की कोशिश कर लेते हैं, और गलतियाँ तो मुझे लगता है कि वो बहुत छोटी होती हैं उनके मुताबिक, जितना बड़ा वो सरप्राइज ला कर दे देते हैं। और अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप लोग खुद ही जानते हैं कि कबूतर लेकर आना ये और कबूतर से बड़ा गिफ्ट मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ छोटा सा गिफ्ट, और तुम्हारे लिए मेरी छोटा सा गिफ्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, तुम्हारे लिए बड़ा गिफ्ट है। तुम्हारे मैनेजर को फिर से एक बार खूब सारा मतलब कि मतलब खुशियों से भर देना, मेरा काम है जो कि मैं कर रहा हूँ। बाकी फाइनली ये पेयर है, और इसके लिए मैंने घर भी सोच लिया है तुम्हारा, मतलब तुम्हारे इस पेयर के लिए मैंने घर भी सोच लिया है मैंने जो के अंदर। कहो तो बताओ, बहुत अच्छा किया है सच बताऊँ ना, क्योंकि ऐसे ये जो जिस तरह के आप कबूतर मेरे लिए लेकर आए हो ना, मेरा बहुत बड़ा मंकी ने लॉस कर दिया था पहले, मेरा टीन पर एक कबूतर मार दिया था, बिल्कुल बिल्कुल सेम ऐसे सिराज था ना वो, बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, उसकी कमी अभी पूरी हो। उसका नाम था, तो नाम याद नहीं आ रहा, किंग नाम, किंग 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 नाम था उसका ना, ब्लैक और वाइट में। तो हम इसका नाम किंग क्यों रख दें क्योंकि बिल्कुल है ना, इसका नाम किंग रख देंगे है ना, और उसका क्वीन रख देते हैं, उसका क्वीन रख देते हैं, ठीक है। तो गाइस नाम भी डिसाइड हो गया है, कोकी ने जो है नाम भी डिसाइड कर दिया है, मेल का जो नाम रख दिया गया है किंग, और फीमेल का नाम रख दिया गया है क्वीन, ठीक है। कोकी अब मैं बताता हूँ आपको, मैंने इनके लिए घर मैंने बनाया था, मैंने पहले से सेट कर दिया था, ये देखिए दिखा दूँ इनका घर कौन सा होगा, ये नहीं इनका घर होगा ये वाला, ठीक है, इसमें हम लोग इनको छोड़ेंगे फटाफट से। हाँ इनको छोड़ देते हैं, पकड़ के मैं छोड़ देता हूँ, तुम छोड़ोगी, ठीक है। तो जी अभी कोकी जो है मेल को पकड़ने लगी है, और मेल को पकड़ कर छोड़ने लगी है उसके अपने नए घर में। हाँ भाई तुम्हारा नया घर तुम्हें खूब पसंद आने वाला है, फटाफट से कोकी इसको छोड़ दो, जल्दी से छोड़ दो भाई। तो ये गया जी मेल, अब बारी है फीमेल को, इसको घर घर कितना पसंद आया, देखो वो डांस कर रहा है, वही तो मैं कह रही हूँ, अभी वो कह रहा है कि मेरी फीमेल को भी लेकर आओ अंदर। तो गाइस जो नया वाला कबूतर काफी ज्यादा डांस कर रहा है अपने घर में जाके, इसको घर खूब पसंद आया है, और कोकी जो है बुलाने लगी है कि फीमेल को भी, कोकी जाओ इसको फीमेल को भी लेकर आओ। तो गाइस ये ना यहाँ खूब खुश रहने वाले हैं और बहुत ज्यादा प्यार से रहेंगे, और आ गई थी फीमेल भी। तो कोकी फटाफट से इसकी फीमेल को भी इसमें छोड़ दो, तो कोक जो कि तुमने पकड़ी हुई है गाइस, देखो हाथ में भी नहीं आ रही है, दिखा दो आराम से, काफी बड़ा साइज है ना कोकी इनका है ना, इसीलिए काफी बड़ा साइज है बाकी कबूतरों से। तो ये जा रही है जी फीमेल, देखो अरे इसकी चोंच कितनी ज्यादा सुंदर है यार, तुम उसकी चोंच देखो, उसको देखो कितनी, अरे देखो बहुत खूबसूरत है, मुझे पता है, तुम उसको देखो कितनी मस्ती करने लगा है। अभी ये बोल रहा है कि इसको भी अंदर, इसको भी अंदर छोड़ दो, हम दोनों साथ में ही रहेंगे, जाओ तुम भी जाओ अंदर, ये लो मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा नया घर, प्यारा सा घर। तो भी नए पिजन्स तुमको तुम्हारा नया घर मुबारक हो, और क्वीन एंड किंग तुम लोग इसमें खूब खुश रहो। बाकी गाइस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मस्ती कर रहा है हमारा किंग, और क्वीन को भी ये घर खूब ज़्यादा पसंद आया है, ब्लैक वाली जो फीमेल है, प्यारा सा गिफ्ट, और कोकी के लिए मुझे मेरा प्यारा सा गिफ्ट। हाँ ये तो है कोकी, तो खुश हो ना तुम पक्का? यार बहुत ज़्यादा खुश हूँ, खुश नहीं बहुत खुश हूँ मैं अभी, तो तुम्हें डबल खुश होना बनता है क्योंकि अभी तुम्हारा एक कबूतर भाग कर आ गया है नी, और एक तुम्हारे के लिए नया जोड़ा आ गया, तुम्हारी नई नई तुम्हारी कोकाटेल। अरे नबी आप कह रहे थे ना डबल खुश होना बनता है, नया कबूतर आपका तुम्हारा पुराना गया हुआ कबूतर वापस आ गया, उधर ध्यान नहीं गया, मुझे लगा आर्यन बोल रहे हैं एक और सरप्राइज के लिए तैयार रहो। कितने सरप्राइज चाहिए यार इतने वीक में, तुम्हें तीन सरप्राइज दे दिए, इधर तुम्हारा ये सेटअप लगा दिया कोकाटेल कॉलोनी का, इधर तुम्हारे लिए ये मंगा दिया, उधर तुम्हारे लिए ऊपर एक तुम्हारा कबूतर वापस आ गया, भाग के पकड़ने में मेहनत करी थी है ना, ठीक है ठीक है, कितने सारे सरप्राइज चाहिए। चलो फिर भी ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज ऑर्गेनाइज करता हूँ, ठीक है पक्का, खुश खुश रहोगे ना, फिर तीन तीन हो जाएंगे ना, एक और होना चाहिए है ना, चार जरूरी, चार नहीं मैं तुम्हारे लिए पाँच छः सात आठ जो भी सरप्राइज होगा मैं बहुत सारे बना दूंगा, ठीक है पक्का, ठीक है। फिलहाल देखिए किंग को देख लेते हैं कितना खुश है तुम्हारा, और सिपनी क्वीन के साथ, किंग एंड क्वीन।
अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कुछ और नए परिंदे हमारे मिनी जू में बढ़ गए हैं, क्योंकि अभी जितना ज़्यादा पिछले दिनों जो भी मेरा लॉस हो चुका है मेरे पिजन हाउस पर भी, मिनी जू में भी काफ़ी सारे बर्ड्स जो कि हमें छोड़कर चले गए, वो जो कि अब कभी वापस तो आएंगे नहीं, लेकिन अभी जब नए परिंदे मेरी मिनी जू में फिर से आ गए हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कहीं ना कहीं उनकी भी कमी पूरी हो ही जाएगी। और आर्यन का तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे सरप्राइज़ दिए इन कुछ ही दिनों में। कोकाटेल की इतनी प्यारी कॉलोनी मुझे लगा कर दी है कि देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सच बताऊँ ना तो गाइस, अभी कुछ ही दिनों में समथिंग दो दिन ही हुए हैं इन्हें हमारे मिनी जू में आए हुए, और सबकी अच्छी खासी दोस्ती भी लग गई है। कुल मिलाकर अभी सब अच्छे से रह रहे हैं, और हो सकता है कि जल्दी इनका पेयर वगैरह भी लग जाए, और साथ में ये हमारे किंग एंड क्वीन का खूबसूरत सा जोड़ा मुझे बड़ा पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा है, और साथ में मैंने जो इनका नाम इनको दिया है वो कैसा लगा है, वो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो आजकल मिनी जू में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक तो मौसम इतना ज़्यादा सुहावना बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, और गाइस सच बताऊँ ना तो अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट आप मिनी जू का नज़ारा देखेंगे ना तो देखते ही बनता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मन ही नहीं करता कि इसको छोड़ कर जाओ। सुबह सुबह में बहुत बार ऐसा हो जाता है वैसे मैं थोड़ा सा तो लेट उठती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरी जल्दी आंखें खुल जाएँ तो मैं सबसे पहले अपने मिनी जू में आकर देखती हूँ कि मेरे बर्ड्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि बर्ड्स तो ऐसा होता है हम सभी से पहले ही उठते हैं, इनका तो टाइम ही यही है कि जल्दी सोना और अर्ली मॉर्निंग उठना बहुत अच्छी हैबिट होती है। वैसे ये वाली जो इनकी गुड हैबिट है वो हमें भी अपनी डेली लाइफ में अगर हम उसको अपनाएं तो बहुत अच्छी बात है ये। तो जब मैं आकर देखती हूँ तो सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा लगता है, और रात में भी इतना अच्छा लगता है क्योंकि ठंडी ठंडी आजकल हवा चल रही है, बारिश आ जाए तो और ही ज़्यादा मज़ा आ जाए। तो मेरे परिंदे इतने ज़्यादा खुश रहते हैं आजकल ठंडे मौसम की वजह से कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इन्हें देखकर। और साथ में गाइस मैं आप लोगों को एक और बात बताऊँ कि आर्यन ने सेटअप लगाने के साथ साथ ना मिनी जू में भी काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग की है, क्योंकि आप लोग खुद भी देख रहे होंगे पहले कितने ज़्यादा यहाँ पे गंदा हो रखा था, बीट वगैरह इकट्ठी हो रही थी। इन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है यहाँ पर, ये धुलाई वगैरह करी है, पहले उसको हटाया यहाँ से फिर धुलाई की, तो अभी कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, एक मतलब सुकून सा है। वास्तव में मिनी जू अभी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और साथ में जैसे जैसे परिंदे बढ़ने लगे हैं धीरे धीरे तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि ऐसे ही हमारे मिनी जू में और पिजन हाउस पर प्यारे प्यारे से परिंदे बढ़ते रहे और ऐसे ही तरक्की होती रहे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी आप लोगों को बड़ा पसंद आया होगा, और आज के वीडियो को यहीं पर ओवर करती हूँ। जल्दी मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक पर न्यू कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का और परिंदों का ख्याल रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।